नमस्कार किसान भाइयों स्वागत है आपका कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में किसान भाइयों खेती किसानी तो आप करते ही हैं लेकिन अगर खेती किसानी के साथ साथ आप उद्यानिकी के क्षेत्र में भी अपना भविष्य आजमाना चाहें तो क्या बात है उद्यानिकी के क्षेत्र में बहुत ही सुनहरा भविष्य आपके लिए मौजूद है तो क्यों ना इसी विषय की चर्चा की जाए जी हाँ आज हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी के क्षेत्र में क्या क्या संभावनाएं हैं इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे साथ एक विशेष अतिथि जो कि डॉक्टर विजय अग्रवाल उप संचालक उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण विभाग भोपाल से नमस्कार सर बहुत-बहुत स्वागत नमस्कार किसान भाई सबसे पहले तो डॉ साहब एक बात तो आप भी मानेंगे कि जो हमारे उद्यानिकी जो उत्पाद हैं वो बहुत जल्दी खराब यानी कि सड़ गल जाते हैं तो इनको किस प्रकार से प्रसंस्कृत किया जाए किस प्रकार से इनसे और अधिक लाभ लिया जाए कैसे उनका उत्पाद को हम आगे चलकर किसान भाई लाभ ले सकते हैं देखिए उद्यानिकी फसलों में ज़्यादातर जो फसलें होती हैं फल की बात करें सब्ज़ी की बात करें मसाले की बात करें तो ये नश्वर प्रकृति के होते हैं।, होते हैं नश्वर प्रकृति के मतलब इनमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है नब्बे प्रतिशत से ज़्यादा जल होता है और जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा है उसको अगर सही ढंग से भंडारण नहीं किया तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगी जबकि हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो 10, 12, 15 प्रतिशत से ज्यादा इसमें मॉइस्चर नहीं होता है और भंडारण के समय उनको हम सुखा कर विभिन्न वैज्ञानिक विधियों से कम कर देते हैं जिससे लंबी अवधि के लिए भंडारित हो जाती है लेकिन जो हमारे फल एवं सब्जियां होते हैं उसमें अगर जल की मात्रा कम हो जाती है और सही से भंडार नहीं होता है तो वो सड़ने लगती है। तो सबसे पहले होता है कि जैसे ही हम फल और सब्जियां या फूल खेत से निकालते हैं तो सबसे पहले उसकी ग्रेडिंग शॉर्टिंग कर दें ग्रेडिंग शॉटिंग माने छटाई हमें करना बहुत ही जरूरी यानी अच्छा। जो भी कटाफटा फल है सब्जी है फूल है उसको अलग कर दें क्योंकि ऐसे फल क्या होते हैं या सब्जियाँ जो होती हैं जो हमारे अच्छे फल एवं सब्जियाँ होती हैं उसको पहुंचा है प्रोसेस उसके ऊपर सबसे बिल्कुल बिल्कुल तो पहले ना ग्रेडिंग सॉर्टिंग कर दें खराब वाले अलग हटा दें फिर उसके बाद जो अच्छे फल एवं सब्जियां उनको अलग अलग श्रेणियों में बांट लें उसमें क्या होता है कि जो हमको लोकल बाजार में बेचना है वो अलग कर लें फिर जिसकी है ना दूसरे शहरों में जाना है तो वो एक अलग अवस्था होती है उनकी उनको अलग कर लें एक विशेष मांग है कि किसी जैसे कोई कंपनियां होती हैं चिप्स वाली कंपनियां होती हैं हमें लंबे आलू चाहिए गोल आलू चाहिए बड़े चाहिए या फिर सॉस बनाने वाली टमाटर वाली कंपनी है उन्होंने बोला पूरी तरह से लाल टमाटर चाहिए तो ग्रेडिंग और सॉर्टिंग कटे कटे फटे अलग निकाल दें बीमार अलग निकाल दें कीड़ों से नुकसान पहुंचाए अलग निकाल दें और फिर मांग के हिसाब से उनको अलग कर दें अब जैसे ही फल एवं सब्जियां खेत से आते हैं तो उसमें एक एक फील्ड हुई तो होती है उनमें विशेष प्रकार की गर्मी होती है जो फलों को खराब करती है उसकी भंडारण क्षमता को प्रभावित करती है तो इसको फील्ड हीट रिमूव करी जाती है इसको निकाली जाती है को ठंडे में कुछ समय तक एक न्यूनतम तापमान में रखना पड़ता है जिससे इसके अंदर की गर्मी निकल जाती है और फिर उसके बाद उसकी भंडारण क्षमता बढ़ जाती है जाएं। जाएं। इसके बाद इसको ध्यान में रखते हुए आ, बहुत सारे हमारे विभागीय स्कीम होती है जिसमें पैक हाउस को हम लोग प्राथमिकता देते हैं किसान अपना फल एवं सब्जी लाए वहाँ पर उसकी ग्रेडिंग शॉटिंग करें तापमान को कम करें इसके बाद क्या होता है कि जो हमें बाजार में बेचना है उनको ले जाए और जिनको हमको दो या चार दिन के लिए बाद में बाज़ार में अभी भाव नहीं है तो इसके लिए जीरो एनर्जी कूल चैम्बर कोल्ड चैम्बर्स इस तरह की जो लो एनर्जी कूल चैम्बर ऐसे ऐसे कम तापमान में स्टोर करने की बहुत सारी ऐसी तकनीक विकसित की गई हैं जो कि पावर के सोर्स से यानी सोलर पावर से भी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है और बिना पावर के भी जैसे जीरो एनर्जी कूल चैम्बर है ये बिना पावर के भी चलता है इसमें हम कम समय के लिए फल एवं सब्जी को भंडारित कर सकते हैं इसके बाद अगर आपने बोला कि नहीं हमें तो चार पांच दिन नहीं हमें तो दो महीने के लिए करना है चार महीने के लिए करना है तो फिर हम क्या करेंगे तो फिर हमको भंडार क्योंकि ऐसा देखा गया कि लगभग पंद्रह से बीस परसेंट जो फल एवं सब्जियां होती है अगर सही प्रकार से भंडारण नहीं किया तो खराब हो जाएंगी तो उनके लिए जैसे प्याज है तो प्याज का भंडार गृह एक विशेष डिजाइन होती है जिसमें प्याज को रखा जाता है जा. इसी तरह से आलू जैसी सब्जियां को स्टोर करना है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज जो कि कम तापमान में हम जिनको स्टोर करते हैं तो उनमें उनको हमको स्टोर करना है और दूसरी बात होती है बहुत सारी ऐसी फल एवं सब्जियां होती हैं जो सुखा कर भी उपयोग होती है जैसे मिर्ची होती है हमने सूरज की रोशनी में सुखा ली कच्चे आम बहुत अभी सीजन आएगा तो जब उसको अमचूर के लिए सुखा लेते हैं जब उसमें से मॉइस्चर निकल जाता है तो वो हो जाता इस समय हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान भाई बोल रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन बहुत हो रहा है फेंकना पड़ रहा है तो ऐसे में क्या होता है कि अगर हम टमाटर ले लें उनकी ग्रेडिंग शॉटिंग कर लें उनको कट कर लें और वैज्ञानिक ढंग से सोलह टनल ड्रायर में यानी सूरज की रोशनी से उसको अगर सुखा के रख लेते हैं उसके पाउडर बना के रख लेते हैं तो उसका बाजार मूल्य बहुत अच्छा मिलता है आपने भी देखा होगा कि घर में हम सूप लेकर आते हैं तो पहले सूप को हम खुद ही तो सब्जियां काटते ले थे लेकिन आज के समय में टोमेटो सूप लाएंगे तो उसमें टोमेटो पाउडर होगा तो आज के समय में ऐसी मांग बढ़ती जा रही है तो हमको जल्दी खराब होने से बचाने के लिए कई तकनीक का हमको इसमें उपयोग करना है

ये तो है। आपने बहुत अच्छी बात बोली और इस हमें पूरा चाहे भारत सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो यानी पूरे में एक ही है कि हम खाद्य प्रसंस्करण को कैसे बढ़ावा दे और इस समय भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खाद्य प्रसंस्करण पर विशेष जोड़ दिया जा रहा है विशेष जोर इसलिए दिया जा रहा है कि बहुत क्योंकि इसमें नश्वर प्रकृति है जल्दी खराब होता है और हमारे किसान भाई आज खेती करते थे लेकिन आज उनको उद्यमी बनने की ज़रूरत है आज वो बिजनेसमैन बने अपने परिवार का उनका कोई बच्चा है बच्ची है तो वो खेती के साथ साथ प्रसंस्करण करें इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसमें सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को के उन्नयन के लिए नई उद्योगों को स्थापित करने के लिए किसानों को इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है इसमें किसान तो जुड़ ही सकता है किसान परिवार जुड़ सकता है किसानों के युवा जुड़ सकते हैं युवतियाँ जुड़ सकती हैं साथ ही साथ जो किसानों के आजकल संगठन आपने देखा होगा कि बहुत सारे किसान आजकल संगठन में काम कर रहे हैं एफ बना लेते हैं किसान स्व सहायता समूह बना लेते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारी सहकारी समितियाँ होती हैं वो लोग ये सब लोग मिलकर एक उद्योग डाल सकते हैं इस योजना के अंतर्गत और इस योजना का एक फ़ायदा ये है कि किसान अपने खेत में भी उद्योग डाल सकता है यानी उसे ये नहीं है कि इंडस्ट्री जहाँ पर लगी हुई है इंडस्ट्रियल पार्क में जाने की जरूरत है अपने खेत पर उद्योग डाले अपने गांव पे उद्योग डाले और इसके लिए शासन की तरफ से इनको मदद भी mm. दी जाती है ये क्या होता है कि इसमें लगभग 35 परसेंट कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए सूक्ष्म उद्योग उद्योग स्थापित करता है किसान 35 परसेंट अनुदान यानी 10 लाख रुपए तक का किसानों को अनुदान देने की व्यवस्था है तो इसमें एक चीज और की है भारत सरकार ने मध्य प्रदेश शासन ने कि जिस जगह पर जिस फसल का उत्पादन ज्यादा हो रहा है, है उस जगह पर उससे संबंधित उद्योग आए तो ही ज्यादा फायदा होगा यानी अगर जहां पर टमाटर का उत्पादन ज्यादा हो रहा है वहां पर हम संतरे का उद्योग डालेंगे तो निश्चित रूप से जो ट्रांसपोर्ट है दिजी। हाँ दिजी। तो इसमें पूरे है ना जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश के बावन जिलों को हमने बीस क्लस्टर में डिवाइड कर दिया जहाँ पर टमाटर की खेती ज़्यादा होती है वहाँ पर टमाटर से तो संबंधित तो उद्योग इसी तरह से आलू धनिया प्याज लहसुन इसी तरह से अमरूद ऐसे हमने अगर भोपाल की बात करते तो भोपाल हुआ इसके बाद सीहोर है यहाँ पर अमरूद का क्लस्टर है होशंगाबाद भी उसी में आ जाता है इसके बाद गुना में धनिए का क्लस्टर हो गया शिवपुरी में बहुत टमाटर होता है तो टमाटर का क्लस्टर है इसी तरह से ग्वालियर में बहुत ज़्यादा आलू होता है तो वहाँ पर आलू पर प्राथमिकता तो जो नए उद्योग किसान भाई डालना चाहते हैं किसान परिवार डालना चाहते हैं या कोई और उद्यमी उद्योग को डालना चाहते हैं तो वो क्या करना है कि वो उसी फसल से संबंधित नया उद्योग डाले तो 35 परसेंट अनुदान है और लगभग 10 लाख रुपए अधिकतम इसमें अनुदान की व्यवस्था है इसके अलावा जो किसानों के समूह हैं एफपीओ पी स्वयं सहायता समूह जैसे बोलते हैं या सहकारी समितियां वो भी इसमें उद्योग डाल सकते हैं तो कुल मिलाकर इन पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि लोग आए इसके अलावा अगर कोई बड़ा उद्योग डालना चाहता है हमारे किसान चाहते हैं कि हमारे उधर उत्पादन बहुत ज्यादा रहा हमें बड़ा उद्योग डालना है तो इसके लिए भी लिए भी भी मध्य प्रदेश शासन से बड़ा उद्योग डालने के प्रावधान है और इसमें भी लगभग पंद्रह से लेकर साठ तक का अनुदान किसान भाइयों को मिलता है बहुत अच्छी बात बताई आपने किसान भाइयों को क्योंकि एक तरफ तो किसान भाई जहाँ पर हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं साल भर मेहनत करते हैं उनके जो उत्पाद आते हैं वो उनको सुरक्षित किस प्रकार रख सकते हैं दूसरी आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी जो स्वयं करने के लिए जो चाह होती है कि हम कुछ अलग करें तो वो भी एक उनके लिए रास्ता खोल जाता है सरकार के द्वारा तो किसान भाई आप जरूर इसको अपनाना भी चाहेंगे और इसका लाभ भी लेना चाहेंगे अरे भाई सुना नहीं क्या केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है देश के छोटे किसान एक लाख साठ हजार रूपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा मैं जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया के सी का भी कोई दबाव नहीं है ब्याज चुकाने के लिए पूरा एक साल मिलता है समय पर भुगतान करने पर केवल चार परसेंट के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे अपना आधार कार्ड लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस और नामांकन भरने के लिए ढीली नहीं करनी पड़ी चाचा उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। ए ने किसानों की ज़िंदगी वाकई बदल दी है तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाए अरे सुन तो मुझे क्या सुनाना चाहते हो जो मेरी स्वातन को किसको अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हम्म अच्छा ये बात है हाँ, क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या अब तो झट से बात हो जाती है संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए छह उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है एफसीआईएल के गोरखपुर सिंदरी तलचर और रामागुंडम संयंत्र एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीबीएफसीएल की नामरूप फोर्थ सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा अनाज का उत्पादन 10 फीसदी तक बढ़ेगा बढ़ेगी 10 से 15 फीसदी नाइट्रोजन क्षमता सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा मदद कर रही है अगर कोई किसान ये चाहे कि उनका जो उत्पादन तो किस तो आज तो हमारा किसान है किसान को उद्यमी बनने की जरूरत है, है ना तो जब किसान उत्पादन कर रहा है उसे उत्पादन की सारी विधियां मालूम है कि कैसे हमको उत्पादन करना है कैसे अच्छा उत्पादन आएगा तो वो निर्यातक क्यों ना बने तो इसके लिए भी भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें कर रही है तो इसके लिए जो मेन एजेंसी है जो निर्यात को बढ़ावा देती है वो है एपिडा अच्छा। एपिडा एक भारत सरकार की एजेंसी है इसे अच्छा। बोलते हैं एग्रीकल्चर आ, प्र, आ, प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एग्रीकल्चरल यानी जो हमारी कृषि आधारित तो उपाज है साथ में साथ जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं इनको निर्यात करने के लिए बढ़ावा देती है और इस समय अगर देखा जाए तो एपीडा के द्वारा मध्य प्रदेश में भी पांच जोन्स इसमें बनाए गए हैं पांच इसमें एग्री एक्सपोर्ट जोन मध्य प्रदेश में बने हुए हैं जैसे कि एक दलहनी फसलों का है इसके बाद आ, इसमें मसालों से संबंधित जैसे अपने इधर मैंने बताया था कि गुना में मसाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसके अलावा शरबती गेहूं प्रदेश की पहचान है तो शरबती गेहूं का इसी तरह से ऑरेंज यानी जो संतरा कहते हैं इसके निर्यात के लिए जोन बनाए इसके अलावा आलू लहसुन और प्याज की भी मध्य प्रदेश में व्यापक पैमाने पर उत्पादन होता है तो इसको भी निर्यात को बढ़ावा दिया है अच्छा। तो किसान भाइयों को क्या करना है किसान भाइयों को करना है कि जो अभी पिछले कुछ समय में ही जो मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में उसमें मध्य प्रदेश में रीजनल ऑफिस भी एपीडा का इस समय खुल गया है जिससे मध्य प्रदेश में भी एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके तो किसानों को सबसे पहले तो अपनी जो उद्यानिकी अधिकारी हैं कृषि अधिकारी है अपनी जमीन को उनको एक अपना चिन्हित करना पड़ेगा कि जहां पर वो से संबंधित लगाएंगे, हाँ उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा एपीडा के माध्यम से क्योंकि देखिए निर्यात जब हम करते हैं निर्यात की बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है जैसे किस देश में किस किस्म की मांग है यानी फलों की हम सब्जियों फलों की बात नहीं कर रहे हैं है जैसे अगर मिर्ची की बात करें तो विदेशों में जी फोर सेगमेंट होता है जो मिर्ची उसकी मांग ज्यादा होती है अच्छा, है ना जी, तो जी, अगर संतरा है तो कौन से संतरे की मांग कौन से किस्म की मांग ज्यादा है आलू है तो कौन सा आलू चाहिए तो सबसे पहले किसानों को ये जानकारी लेना पड़ेगी कि हम जो फसल लगा रहे हैं क्या उसकी किस्म की विदेशों में मांग है ना तो पहले उन चीजों को डिसाइड करें फिर उसके बाद क्या होता है कि हर जो देश होता है उसका एक नियम कायदे होते हैं कि इस देश से जब ये माल आएगा तो इसमें केमिकल पेस्टिसाइड इस मात्रा से ज्यादा नहीं होने चाहिए है ना तो जिस देश में हम निर्यात कर रहे हैं एपिडा एपिडा आपको इसमें पूरा के माध्यम से हमारे उद्यानिकी विभाग के माध्यम से किसानों का समय समय पर इस पर प्रशिक्षण भी होता रहता है कि जब आपको निर्यात करना है तो कौन सी किस्म आपको लगानी है और इसके अलावा कैसे अपनी भूमि को पंजीकृत कराना है वो समय समय पर क्या क्या चीजों को अपना को फॉलो करना पेस्टिसाइड और, और, और फर्टिलाइजर्स हैं जो निर्यात के लिए किस मात्रा तक ही मान्य है तो इन सब की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी जाती है जा। तो किसान भाई और इस समय तो देखा जाए क्योंकि मध्य प्रदेश में उद्यानिकी फसलों में सारी लगभग चीज़ें जो होती है उसका सरप्लस उत्पादन होता है यानी हमारी जो मांग है वर्तमान में मांग और जो हमारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उनकी मांग को अगर निकाल दिया जाए और जो हमारा भंडारण के अभाव में या ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में जो नुकसान हो रहा है उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन है तो अगर निर्यात करेंगे तो निर्यात से हमारे किसान को हमारे राज्य को और हमारे देश को निश्चित रूप से विदेशी मुद्रा मिलेगी और किसानों का भी होगा और देश और प्रदेश भी समृद्ध होगा जी डॉक्टर ये तो हमने बात की लेकिन अगर किसान भाई ये जाना चाहे कि क्या कोई मानक भी है जिस मानक से उनको एक जैसे कहना चाहिए सर्टिफाइड होना पड़े वो कौन सा मानक है किस स्तर पर जाना चाहिए इसकी जानकारियां किसान भाई को कैसे ले? नहीं देखिए इसके लिए भारत सरकार ने हर फसल के लिए मानक निर्धारित किए हुए हैं और इसका पूरा आप देखेंगे कि आप वेबसाइट पर जाएंगे अपीडा की वेबसाइट पर जाएंगे तो इसके सारे मानक इसमें दिए हुए हैं अच्छा इसमें विशेष बात ध्यान में रखनी होती है कि जो भी हम निर्यात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश निर्यात तो हो रहा है लेकिन अभी कई होता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा लैंड Locked है हमारे दर जहां पर बंदरगाह होते हैं जहां पर विदेशी हवाई जहाज जाते हैं, वहां से निर्यात में प्राथमिकता मिलती जी, है जी, तो दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट का जो माल होता है वो खरीद के दूसरे स्टेट में जाता है फिर वहां से निर्यात होता है तो किसान अगर स्वयं अपने आप को पंजीकृत कराएंगे निर्यात के लिए निर्यात के जो फसल लगा रहे हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी लेंगे उससे संबंधित प्रशिक्षण लेंगे और इसमें जब क्या होता है जानकारी के अभाव से और जानकारी से ही किसान लाभ ले सकता है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हमारे विभाग के लोगों से, के लोगों लोगों से, से संपर्क करें जो फसल निर्यात करना चाहते हैं उसकी समस्त जानकारी लें और जो निर्यात के पैमाने हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करें उसका अक्षर पालन करें तो ही हम निर्यात में आगे जा सकते हैं किसान भाइयों के मन में अगर ये प्रश्न आए कि अगर हमें निर्यात करना है दूसरे देशों में तो क्या उसके कुछ मानक अलग होंगे या प्रसंस्करण की विधि अलग होगी देखिए दोनों तरह से होता है ये पूरा पूरा निर्भर करता है कि हमारे जो आ, हम क्या चीज और किस देश में भेज रहे हैं तो मानक में एक तो होता है जैसा कि मैंने बताया कि जैसे विदेशों में अगर आम की बात करें तो आम की जैसे अल्फांज़ो आम होता है हाफूज आम होता है उसकी मांग ज़्यादा होती है तोतापुरी है उसकी मांग अलग होती है इसके बाद अगर धनिया हमारे घर का धनिया उसकी मांग अच्छी है मिर्ची में जैसे मैंने बताया जी फोर किस्म की मिर्ची की मांग अच्छी है और इसके बाद वो लोग विदेश में देखते हैं कि एम टेस्टिंग यानी लैब्स वगैरह यहाँ पर प्रॉपर होनी चाहिए अच्छा, कीटनाशक ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए उसकी निर्धारित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और इसी तरह से जैसे आपने बोला कि प्रसंस्करण के लिए तो प्रसंस्करण में भी किसानों को ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमारे इधर उद्योग काफ़ी आ गए प्रसंस्करण उद्योग तो हम जो टमाटर लगा रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो प्रसंस्करण उद्योग की मांग हो उस टमाटर की क्योंकि उनको तो प्रसंस्करण उद्योग क्या चाहिए कि वो पेस्ट बनाएंगे क्योंकि उससे आगे चल के प्यूरी बनेंगे उससे केचप बनेगा उससे सॉस बनेगा तो वो चाहते हैं कि गूदा ज्यादा हो लाल गूदा हो तो किसानों को जो इंडस्ट्री की मांग है या उद्योगों की मांग है उसके हिसाब से उनको किस्मों का चयन करना पड़ेगा जैसे कि प्याज है प्याज का पाउडर आज के समय में विदेशों में काफी निर्यात होता है लेकिन हमारे इधर अगर हम ऐसी प्याज लगाएंगे जिसमें मॉइस्चर या नमी ज्यादा है तो अगर हम एक कुंटल प्याज से जहां हमको 12 कुंटल सूखा पाउडर मिलना चाहिए जी। वहां पर सिर्फ 8 कुंटल निकलेगा तो ऐसे में किसान को नुकसान होगा तो प्रसंस्करण उद्योगों की मांग और निर्यात की मांग को ध्यान में रखकर ही किसानों को किस्मों का चयन करना चाहिए तो इस बात को ध्यान रखें जी ये तो हमने बात की जो खाद्य जो खाद्य का जो उत्पादन है लेकिन अगर हम बात करें फूलों की तो किसान भाइयों को क्या विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि गुलाब है तो उसकी कटिंग किस प्रकार से की जाए वो कैसे विदेश तक जा सकता है बिल्कुल सुरक्षित देखिए अगर फूलों की बात करते हैं तो फूलों में दो प्रकार के फूल होते हैं एक तो होते हैं लूज फ्लावर्स होते हैं जैसे आपने देखा कि अभी आप देखेंगे नौरंगा बाजार में काफी ज्यादा आ रहा है गेंदा बाजार में काफी आ रहा है तो एक कोता ल्यू फ्लावर जो कि हम तोड़ के जिसकी मालाएं हार बना के या फिर जिसको हम पूजा में या धार्मिक कामों में उपयोग लेते हैं तो एक तो वो होते हैं फूल जो कि ये ये खुले जो फूल होते हैं जैसा मैंने बताया कि जहां पर बड़े शहर हैं जहां पर धार्मिक स्थल है जहां पर इनकी मांग ज्यादा होती है वहां पर इनको लगाना चाहिए लेकिन जब हम बाहर भेजने की बात करते हैं दूसरे शहरों में बात करते हैं भेजने की तो वहाँ पर आज के समय में कट फ्लावर्स जो होते हैं जो विशेष प्रकार से अपन देखते हैं कि एक डंडी होती है गुलदस्तों में लगते हैं बुके में लगते हैं उस तरह के फूलों की मांगतिक होती है लेकिन वो फूल जो होते हैं वो ग्लैडुलस अगर अपन छोड़ दिया जाए तो बाकी जरबेरा हुआ कार्नेशन हुआ गुलाब हुआ इसको संरक्षित वातावरण में लगाने की आवश्यकता होती है संरक्षित वातावरण मतलब आप देखेंगे कि जो आपने देखा होगा सफ़ेद रंग की प्लास्टिक के बने हुए घर होते हैं जो ग्रीन हाउस या पॉली, पॉली हाउस कहलाते है हैं वो नियंत्रित वातावरण में ही उन फूलों को लगाना पड़ता है क्योंकि उनके अंदर फूलों को जो तापमान चाहिए फूलों को जो नमी चाहिए फूलों को कार्बन डाइऑक्साइड जो चाहिए वो सारी उसके अंदर उपलब्ध होती है पौधों के हिसाब से और साथ में उसमें जो अधिक गर्मी अधिक वर्ष ठंड इनसे भी पौधों को सुरक्षित सुरक्षा मिलती है तो यह कंट्रोल इन्वायरमेंट में पॉली हाउस हाउस में या ग्रीन में इस प्रकार के फूलों की खेती होती है जैसे आपने बोला कि कटिंग कटिंग जी। ट्रेनिंग प्रूनिंग क्या आवश्यक है तो गुलाब के लिए बिल्कुल आवश्यक है अगर गुलाब में हमें उस चीज की जानकारी नहीं है तो हमें जो फूल चाहिए यानी अगर कट फ्लावर्स है और कट फ्लावर की आप देखेंगे कि गुलाब है तो आप बात करेंगे तो, तो पचास सेंटीमीटर से पिचत्तर सेंटीमीटर तक लंबा एक फूल की डंडी होनी चाहिए उसका ऊपर का जो बर्ड एरिया है वो बिल्कुल नेक टाइट होनी चाहिए नेक बड़ी होनी हाँ। चाहिए फूली हुई होनी चाहिए तो ये एक मापदंड है तो इसके लिए क्या आवश्यक है कि हम जब सब चीज़ों का पालन करें तो पूरे कंट्रोल इन्वायरमेंट में इसको लगाएं उसके लिए उसके बाद इसमें ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से समय समय पर दवाइयाँ दी जाती हैं समय समय पर इसमें खाद दी जाती हैं और क्योंकि कटिंग करने पर ही नई शाखा आती है और नई शाखा ही फूलों के रूप में आगे चलकर परिवर्तित होगी तो कटिंग का तो बिल्कुल और इसमें तो मैं किसान भाइयों से बोलूँगा कि अगर वो गुलाब की खेती में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस में और एक्सपोर्ट के हिसाब से या निर्यात के हिसाब से या दूसरे राज्यों में भेजने के हिसाब से खेती करना चाहते हैं तो दूसरों पर बिल्कुल निर्भर ना रहे पहले खुद प्रशिक्षण लें अपने लोगों को प्रशिक्षण दिलवाएं फिर इस प्रोजेक्ट को हाथ में लें क्योंकि इसमें लागत ज्यादा आती है जी। और अगर हमने सही ढंग से नहीं लिया और हम दूसरों पर ज़्यादा निर्भर रहे तो हमें इस चीज का अनुमान नहीं होगा कि हम कैसे अच्छा उत्पादन लें तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्रशिक्षण लें और प्रशिक्षण बहुत ही आराम से किसानों के लिए विभाग के द्वारा उपलब्ध होता है तो प्रशिक्षण लेने के बाद ही इस तरह की खेती करें

दर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल पिन कोड है चार छः दो शून्य एक तीन किसान भाइयों अगले अंक में फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार